दशहरा और दिवाली पर्व को लेकर जनता को किसी प्रकार की कोई हानि न हो, उसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस अधिकारी शहर भर में पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग खरीदारी करने बाजार में आए हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे व्यापारी गणों की शिकायतों का भी मौके पर हल किया जा सकेगा और अगर कोई संदिग्ध बाजार में घूमता हुआ पाए गए तो उसकी भी चेकिंग की जा सकेगी। देखिए, जो नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं, इसके बाद अभी दशहरा और उसके बाद दिवाली भी आएगा, तो देखा जाए तो ये बड़ा धार्मिक मास भी रहता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इसमें त्योहार भी रहते हैं। इसको देखते हुए अभी जो आपने देखा होगा बाजारों में गश्त भी पुलिस को बताई गई कि जो पैदल गश्त करें, जिससे कि कम से कम ऐसे जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो भी हट जाएं, जो संदिग्ध लोग घूमने वाले हैं वो भी चेक हो जाए। और बाजारों में गश्त होने से चूंकि भीड़भाड़ रहती है, बहुत सारे देख रहे हैं कि परिवारजन, महिलाएं, बच्चे हैं, सब लोग बाजार में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कम से कम उसमें सुरक्षा की भावना भी रहे और किसी को शिकायत हो तो पैदल गश्त में जरूरी वो पता चल जाती, चाहे हमारे व्यापारीगढ़ हो उनकी भी कोई समस्याएं हैं और शिकायतें हैं तो उसका भी समाधान हो जाए। तो ज़्यादातर फोकस हमारा है कि ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त पर ज़्यादा जोर दिया जाए और साथ ही साथ जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई की जाए।